अगर आपको कहना है कि मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, देन हाउ विल यू से? माई सन नॉट ओनली गोज टू स्कूल बट ऑल्सो माई डॉटर गोज टू स्कूल। नहीं, अभी जहां पे दो पर्सन होते हैं ना, दो पर्सन एक काम करते हैं। हमने कल क्या सीखा था कि एक पर्सन दो काम करता था, उसकी हम दो क्वालिटीज के बारे में बात करते थे। लाइक मेरी बेटी स्कूल भी जाती है और फुटबॉल भी खेलती है। आपकी बेटी ने, आपकी बेटी मीन्स कि वो स्कूल भी जाती है और वो फुटबॉल भी खेलती है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपकी बेटी ही नहीं बल्कि आपका बेटा भी स्कूल जाता है, मतलब कि दो लोग एक काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं नॉट ओनली से, डायरेक्टली नॉट ओनली से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट आपका आएगा नॉट ओनली, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद में बट ऑल्सो, फिर दूसरा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं बाद में, देन जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आएगा। जैसे कि मेरी बेटी ही नहीं मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, नॉट ओनली माई डॉटर, नॉट ओनली माई डॉटर बट ऑल्सो माई सन। अब स्कूल जाता है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल। ठीक है। तो आपका बेटा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? गोज, गोज टू स्कूल। अभी जैसे मैं बोलूं कि अब्दुल भाई ही नहीं काजल जी भी इंग्लिश सीखती हैं, नॉट ओनली अब्दुल बट ऑल्सो काजल सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश सीखती है, लर्न लर्न। इंग्लिश। मैं ही नहीं मेरी बेटी भी इंग्लिश बोलती है काजल जी। ओके, नॉट ओनली माई डॉटर बट ऑल्सो आई स्पीक इंग्लिश। सो सिंपल। तो फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में हमारा एक पर्सन दो काम करता है, या फिर एक पर्सन के लिए हम दो क्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं और साथ में कोई नाउन भी। नाउन मतलब किस केस में? कि जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी एक डॉक्टर है, नॉट जी ओनली की मेरी आई बेटी, मैं ही माई नहीं बल्कि डॉक्टर, मेरी बेटी भी एक डॉक्टर है। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई डॉटर इज अ डॉक्टर। हाँ, माई डॉटर है। आपका जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ओके, ठीक है। और अगर दूसरा सेंटेंस है जैसे कि मैं एक डॉक्टर ही नहीं, मैं एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक गायिका भी हूं। ओके, आई नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो सिंगर। ओके, आई एम आई एम नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो अ सिंगर। तो डॉक्टर होना क्या है, ठीक है, ये एक नाउन है, ठीक है। अभी यहाँ पे एडजेक्टिव हो, जैसे कि मैं ही नहीं, मैं खुश ही नहीं बल्कि मैं एक्साइटेड भी हूं। तो खुश होना, एक्साइटेड होना क्या है? ये आपकी विशेषता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है कि ये आप खुश हो, उदास हो, ठीक है, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, आप क्या हो, ये एक एडजेक्टिव। और एक्शन में, एक्शन में भी यही चीज हो सकती है कि जैसे कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी बेटी भी इंग्लिश बोलती है। तो इंग्लिश बोलना एक एक्शन हो गया, एक वर्ब हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट हमारा जो केस है उसका रूल होता है, हमारा पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आता है नॉट ओनली, ठीक है। नॉट ओनली के बाद में आपका एक्शन है तो एक्शन आएगा, वर्ब है तो नाउन है तो नाउन आएगा, और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद में बट ऑल्सो, सेम फिर या तो नाउन आएगा या तो वर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। जैसे कि कल मैंने ही नहीं मेरे हस्बैंड ने भी बर्गर खाया। Not only I, but also my husband eat burger. ईट, अब यहाँ पे ईट क्यों आएगा? Hi, oh, eight. एट,
अब yes, हमारा सेंटेंस किस सिनेरियो में है, हम इसको यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा एट एट. अब जैसे मुझे कहना है फ्यूचर के सेंस में कि मैं ही नहीं मेरे हस्बैंड भी कल मार्केट जाएंगे. नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई हस्बैंड विल गो टू मार्केट. विल गो टू मार्केट. अभी यही चीज मैं कहूँ कि मैं कल मार्केट ही नहीं बल्कि अपने दोस्त के घर भी जाऊंगी. आई विल नॉट ओनली बट ऑल्सो गो टू मार्केट. नो रॉन्ग हो गया आई थिंक. मैं चलो थोड़ा सिंपल से पहले सीखते हैं कि मैं इंग्लिश ही नहीं हिंदी भी बोलूंगा. ओके. I will not only speak English. अब यहाँ पे ना ये will का sense आ गया इसलिए तो इसको आप बोल सकते हो I will speak not only Hindi but also English. Okay, okay, okay. कि मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा सिर्फ हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी बोलूंगा. Okay. I will speak not only Hindi but also English. Okay. ठीक है. मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी लंदन जाएगा. अब्दुल भाई. नॉट ओनली माई सन बट ऑल्सो माई ब्रदर विल गो टू लंदन. बिल्कुल सही. मैं खुश ही नहीं मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ. आई एम नॉट ओनली happy but also very excited. But also excited. मैं ही नहीं मेरी बहन भी खाना बना रही है. Not only I but also my sister cooking food. Sister आपका क्या है. Sister के साथ हम कुछ तो लगाएंगे helping verb होगा कुछ तो. Is cooking food. मैंने ही नहीं बल्कि मेरी बहन ने भी कल खाना बनाया. Not only I but also my sister cooked food yesterday. काजल जी मेरे हस्बैंड सपोर्टिव ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी हैं. Okay. My husband के साथ हमको हेल्पिंग जो वर्ब है ना जैसे हमारा भी सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का है. ठीक है. yes. तो यहाँ पे हमको इज लगाना पड़ेगा. माय हस्बैंड इज नॉट ओनली सपोर्टिव बट आल्सो क्या बोला था मैम आपने. इंटेलिजेंट बट आल्सो इंटेलिजेंट. इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजन मैम. इट्स लिटिल. व्हाट आर योर कंफ्यूजंस. No, ma'am. I'm okay, but some sentence like practice से वो थोड़ा दूर होगी confusion. Practice ये ना कि आप जितना practice करोगे practice के साथ ही आपकी जितनी भी confusion है ना ये सारी overcome हो जाएंगी. You just need to do practice. और maybe if you watch some videos or if you read something, then if you come across, then all your doubts will get clear. जब आप पढ़ते हो ना books reading के time तब आपकी हेल्प होती है. अभी इसी को अगर मैं इस तरह कहूं कि मैं तुमसे कपड़े ही नहीं धुलवाऊंगा बल्कि खाना भी बनवाऊंगा. पॉजिटिव. इज दिस पॉजिटिव. यस. पता है हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. आपने सुना होगा कई बार हम इसको यूज करते हैं डेली पर्सनल लाइफ में कि मैं अपने दोस्त से सिर्फ ये काम नहीं करवाऊंगा ये भी काम करवाऊंगा. यस मैम. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आई बनवाऊंगा है तो आई विल आ जाएगा. आई विल गेट यू. ठीक है. आई विल गेट यू नॉट ओनली टू कुक फूड बट ऑल्सो दूसरा क्या था. कपड़ा धुलवाना. हाँ बट ऑल्सो
but also do the laundry. I will get you not to cook food but also to do the laundry. बट हम यहाँ पे अभी इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा. ये तो हम बाद में इसको प्रैक्टिस करेंगे. अभी जैसे मैं ये कहूंगी अब्दुल भाई की आपको एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करनी है जहां पे आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है. देन आप कैसे इसको यूज करोगे? Okay, so some time ago, my brother, my brother leaves. अभी भाई, स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आपको स्टोरी ही क्रिएट करनी है. आप अपनी लाइफ के बारे में बोल दीजिए. Yes, yes. So my brother leaves. Different city. So yesterday he came back home. When I met with her with his, he told me, you not only I, but also you have to stay with me from today onwards. मैं कल मेरा ब्रदर वो दूसरा सिटी में रहते हैं वो कल आया मैं उनसे मिला तो जब मैं उनसे मिला वो मेरे को बोला कि मैं ही नहीं बल्कि आपको भी मेरे मुझसे रहना है. नॉट ओनली से स्टार्ट होगा नॉट ओनली आई बट यू बट ऑल्सो यू. सो ही टोल्ड मी यस्टरडे व्हेन आई मेट विद हिम ही टोल्ड मी not only I but also you stay you have to stay with me. You have to stay with me. इसमें तो आप यूज ही नहीं कर सकते ना. ये तो सिंपल है कि यू हैव टू स्टे विथ मी. अब आपके भाई ऐसा कह सकते हैं कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर वाइफ हैज टू स्टे विथ मी. कि सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी वाइफ को भी मेरे साथ रहना है मतलब कि हमारी फैमिली में रहना है हमारे घर पे रहना है. मैम मे आई आपको काजल जी वुड यू लाइक टू ट्राई? यस मैम डेफिनेटली. यस्टरडे इट वाज संडे एंड माय हस्बैंड सेड प्लीज मेक टी देन आई सेड नो आई कांट मेक टी देन आई सेड आई विल make tea but also cook food. यानी कि आपसे tea नहीं खाना भी बनवाऊंगी.